चीज सबसे सेंट्रल है और वो ये है कि क्या ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। अगर ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं करते तो बाकी सारी चीजों के पचड़ों में हम पड़े रहे हैं जी, सिलेक्शन कमेटी में एक जूरिस्ट है, फलाना है, चीफ जस्टिस है कि नहीं है, उन सारी चीजों में क्या रखा है। अगर ये आज सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दें तो बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं। सीबीआई को ये इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आज ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दें तो शायद हमारे प्रधानमंत्री भी 2G में, कोयला घोटाले में या किसी ना किसी मामले में जेल चले जाएं। तो अगर सीबीआई को इन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं किया तो इस लोकपाल का फायदा क्या है? आज मैं यहां पे पूरे होशो हवास में, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि ये जो लोकपाल बिल ला रहे हैं, इस लोकपाल बिल से मंत्री तो क्या एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता, और अगर कोई जेल चला जाए अगले 10 साल के अंदर तो मुझे बता दीजिएगा, कोई जेल नहीं जा सकता इस कानून के अंदर। मैं काफी सोचा कल बैठ के, इस पूरे कानून को पास करने का नेट रिजल्ट क्या है? इस पूरे कानून को पास करने का नेट रिजल्ट केवल कांग्रेस को फायदा पहुंचता नजर आ रहा है, राहुल गांधी को कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और कोई फायदा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देश से भ्रष्टाचार रत्ती भर भी दूर नहीं होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही, क्योंकि सीबीआई एक ऑफिसर उधर रिपोर्ट करेगा, एक ऑफिसर उधर रिपोर्ट करेगा, एक ऑफिसर उधर, मतलब ऐसी जलेबियां बनाई हैं इन लोगों ने इस लोकपाल बिल के अंदर कि कोई भी जांच जो है वो ढंग से हो नहीं सकती है। 11 अगस्त 2011 को एक बिल संसद में पेश किया गया था, लोकपाल बिल, जिसके खिलाफ 16 अगस्त को पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ था। उस 11 अगस्त वाले बिल में भी लोकपाल की एक अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी थी। वो कानून कहीं ज्यादा सशक्त था इस कानून से, उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ। लेकिन आज हम लोग इस कमजोर, उससे भी कमजोर कानून को देश कैसे मान ले? तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि लोकपाल का आंदोलन जारी रहेगा, जन लोकपाल का आंदोलन जारी रहेगा, और देश के कोने कोने में जाएंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से इन पार्टियों ने देश को धोखा दिया। संसद के अंदर जो इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, 3 बातों का प्रस्ताव पारित किया था, किस तरह से इन सारी पार्टियों ने धोखा दिया। हम देश के कोने कोने में जाके जनता को जागृत करते रहेंगे, और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपना अनशन समाप्त कर दें। अगर 2 बात आप कहना चाहें। लेकिन अगर अन्ना ने तो समर्थन दिया है, लोकपाल ने कहा ये पास हो जाएगा, वोट जाएंगे अनशन से, तो देखिए अन्ना जी अनशन से उठे ऐसा हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमने भी अनशन करके देख लिया, अनशन से तो ये लोग नहीं आने वाले। अन्ना जी की सेहत इस देश के लिए बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्ना जी का स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनशन से तो उन्हें तुरंत उठ जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो समर्थन दिया है उससे थोड़ा मुझे भी दुख है, शायद उन्हें पूरी बातें पता नहीं है, तो जब हम लोग उनसे मिलेंगे कभी भी तो हम उनको समझाएंगे कि किस तरह से कानून है, ये बड़ा खराब है। तो पत्रकार बताते हैं सर, आप लोग ज्यादा जानते हैं जी, हमें तो पता नहीं, आप नहीं मिलते तो आप ही लोग जाने वाले थे अन्ना से, कब जाएंगे आप? सर मेरी तबीयत बहुत खराब है, अभी आप देख रहे हैं मैं उसमें से उठ के आया हूँ, वो वायरल फीवर है उतर ही नहीं रहा है, परसों 103 था, आज सुबह भी 101 फीवर था, जैसे ही मैं ठीक होता हूँ फिर जाऊंगा, फिर थोड़ा बाद में करेंगे। एहसान कर रहे हैं ये लोग हमारे ऊपर ये बिल पास करके, अरे सख्त बिल पास करो, कह रहे हैं इतना ले लो, अभी क्यों ले लें भाई, किराने की दुकान है क्या? पूरा सख्त कानून पास करो भ्रष्टाचार के खिलाफ। चलो वो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मनोकामना पूरी हो। जहाँ तक उनका सवाल है, हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है जी, हमने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी का जवाब का इंतजार कर रहे हैं, दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले चिट्ठी का जवाब देंगे, मुझे उम्मीद है। जनतंत्र तो बातचीत से ही चलता है, जनतंत्र तो एंगेजमेंट से ही चलता है, तो हमने उन दोनों को चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी का जवाब दें, जब जो भी जवाब देंगे, माने या ना माने, अब हम निर्णय ले लेंगे, उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे। और हमने दिल्ली में हर म्युनिसिपल वार्ड में जनसभा प्लान की है, 270 म्युनिसिपल लोगों के सामने लेके जाएंगे, चिट्ठियों का जवाब जो भी होगा
एज इट इज वो जवाब हम जनता के सामने, जनता अगर कहेगी सरकार बनाओ तो हम सरकार बनाएंगे और फारूक अब्दुल्ला जी को दिखा देंगे कि गुड गवर्नेंस होती क्या है। नहीं, लेकिन अरविंद कल कांग्रेस के दो कांग्रेस सरकार के दो मंत्रियों ने, पूर्व मंत्रियों ने दिल्ली सरकार के, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अरविंद को तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें पता ही नहीं, क्योंकि उसमें से 18 मुद्दों में से 16 तो कैबिनेट को लेने हैं जिसमें समर्थन लेने देने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इसको लेकर उनका कहना है कि आप दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि आप सरकार बना। चलो वो लिख के दे देंगे, यही बात लिख के दे दें, इसमें क्या है भाई, वो ऐसी बात लिख के दे दें जो वो कह रहे हैं। देखिए ये सारी समस्याएं क्या है, इनकी तो बनाई हुई है, एक बार बार वादे करते थे अनऑथराइज कॉलोनीज रेगुलराइज होनी चाहिए, की क्यों नहीं इन लोगों ने, करनी चाहिए थी इन लोगों को, तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस तो बनेगा। बाहर बैठ के चिल्ला रहे हैं अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले हम बड़ा कंस्ट्रक्टिव, क्या कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव मतलब उसमें पॉलिटिकल डिक्शनरी में कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देने का मतलब होता है कि एक दिन तुम्हारी सरकार नहीं चलने देंगे, तो ये लिख के दें, जनता के सामने रखेंगे हम सारी बातें, ये लिख के दें, हम इन सारे 18 मुद्दों पे पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहते हैं। अगर पॉलिटिकल कर बीजेपी भी कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी भी तीनों कहते हैं कि लोकपाल बिल पास होना चाहिए, हो जाएगा फिर तो 2 मिनट लगेंगे, तीनों कह देते हैं कि दिल्ली में रेगुलराइज होनी चाहिए, हो जाएंगे फिर तो 2 मिनट लगेंगे। अरविंद सवाल ये है, हम केवल क्रिटिसाइज, वो तो कह रहे हैं ना कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट दे रहे हैं, मुद्दों पर सपोर्ट दे रहे हैं, तो हम उनसे पूछ रहे हैं किन मुद्दों पर सपोर्ट दे रहे हैं, बता दें वो जनता के सामने। राजनीति ना करें, बहुत हो गई राजनीति, इस राजनीति ने तो देश को कबाड़ा कर दिया। लेकर खड़े हैं आप, एंगेजमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, अगर इसके बाद ही विधानसभा त्रिशंकु आ जाती है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, शादी कैसे होगी? ये सर हमने तो चिट्ठी लिखी दोनों को, एंगेजमेंट कर तो रहे हैं, चिट्ठी लिखी तो है दोनों को, अब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर त्रिशंकु विधानसभा फिर आ जाती है तो इस स्थिति में एक एक स्टेप करके चलते हैं ना, देखते हैं इनका जवाब क्या है। अरविंद जी, जब अपना आंदोलन शुरू करेंगे क्या आप अन्ना को अपने साथ इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे हम, अगर वो वहाँ करेंगे हम। अरविंद जी, यहाँ पे आजमाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 10 दिन के अंदर अपना स्टैंड बदल लिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या हुआ है इन 10 दिनों में कि अन्ना स्वयं यहाँ कह के गए हैं कि जन लोकपाल? सर उनके आसपास कुछ लोग हैं जो अन्ना को मिसलीड कर रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा पता लगाएं आप लोग कौन कौन लोग हैं वो जो, अगर आपको पता चला है तो उनको हिंदू की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा किरण जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छी महिला है और देश की बहुत अच्छी ऑफिसर रही है, लेकिन किरण जी सबसे ज्यादा कहती थी सीबीआई की ऑटोनॉमी, अब तो सीबीआई की ऑटोनॉमी नहीं हो रही तो कैसे मान सकते हैं हम लोग इसको? देखिए बाकी सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, सिलेक्शन कमेटी में एक ये हो जाए एक वो हो जाए, चलो ये हो जाए वो हो जाए, ये चलो वो कह रहे हैं भाई सिटीजन चार्टर दूसरे बिल से लाएंगे, ये फलाना करेंगे, सीबीआई की ऑटोनॉमी के बिना आप एक भी आदमी को जेल नहीं पहुंचा सकते। पिछले 50 साल के इतिहास में सीबीआई केवल 4 लोगों को जेल पहुंचा पाई है। ऐसा नहीं कि इस देश के अंदर मगरमच्छ नहीं है, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, केवल अभी तक 4 लोग जेल पहुंचे, कन्विक्शन, सक्सेसफुल कन्विक्शन। क्यों? क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जिन लोगों के खिलाफ उसे जांच करनी है। इसको खत्म करना पड़ेगा, सीबीआई को इनके चंगुल से बाहर निकालना ही पड़ेगा अगर हमें देश से भ्रष्टाचार दूर करना है, वो ये लोग तैयार नहीं है। हमने दोनों को लिखा है, कांग्रेस ने ऑफर किया था वो उनकी मर्जी थी, बीजेपी भी 4 दिन से कह रही थी हम दिल्ली की जनता के हित हमारे मन में बड़े ज्यादा हैं, दिल्ली की जनता के हित के लिए हम आम आदमी पार्टी को मुद्दों पे समर्थन देना, दोनों समर्थन दे रहे हैं। एक मिनट, कांग्रेस के नफर आपके पूरे हो जाते हैं? नहीं, तकनीकी तौर पे तो इनसे भी पूरे हो जाते हैं। नहीं, उन्होंने दोनों से चिट्ठी लिख के पूछा है। नहीं, लेकिन एक मिनट सुन तो दीजिए, मेरी कह तो देने, तो हमने इनको भी लिखा भाई आप अनकंडीशनल सपोर्ट देते हो, इश्क में और पॉलिटिक्स में कुछ भी अनकंडीशनल नहीं होता, कंडीशन लगी होती है कि ना कांग्रेस का समर्थन लेंगे ना बीजेपी का ना समर्थन देंगे, तो आप फिर सीधे क्यों नहीं जाते हैं कि हम चुनाव में जा रहे हैं? क्यों आप मुद्दों जा सकते हैं सर, लेकिन बहुत सारे लोग के आधार पर समर्थन, बहुत सारे लोग कहते हैं जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं सर जी, हर चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो ये इन दोनों पार्टियों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, इनका जवाब आने दीजिए फिर आपको। अरविंद, 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 अर